हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू का सब्ज़ी। तो इस तरीके से आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैं आलू ली थी इतना और सोयाबीन ली हूँ, और इसको मैं पानी को खोला कर इसमें डाल दी हूँ, दोनों आलू और सोयाबीन दोनों को। और बस 2-3 मिनट इसमें रखूँगी, उसके बाद मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। और देखिए, यहाँ पर जीरा, गोल मिर्च, इसको मैं भून ले रही हूँ, और प्याज 3 ली हूँ, लहसुन, अदरक, और यहाँ पे तेल रखी हूँ। प्याज कट करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर ली। अब इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। और सोयाबीन ठंडा हो चुका है, इसको पानी को मैं इसमें से गार देती हूँ, अच्छे से निकाल देती हूँ। और इसके बाद देखिए, फिर कढ़ाई रखी, इसमें आलू को फ्राई कर लेती हूँ पहले थोड़ा सा। ये बहुत टेस्टी लगता है, इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सोयाबीन का सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मैं सोयाबीन भी फ्राई कर ली, और जो जीरा, गोल मिर्च भून के रखी थी इसको मैं पीस ली हूँ। और फिर डाली धनिया, हल्दी और मिर्च, इतना डाल दी, नमक, और इसमें मैं दही भी डाली हूँ, 2 चम्मच दही भी डाली हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं फ़ौरन के लिए ली हूँ मैं मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा और गोल मिर्च। और प्याज पहले डालती हूँ, जो प्याज में पीसी थी उसको मैं डाल देती हूँ इसमें। इसको मैं बस 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर डालूँगी अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाई थी वो दोनों को डाल देती हूँ। और इसको मैं फिर 2-3 मिनट इसको फिर भूनूंगी, अच्छे से पक गया है देखिए मसाला। और फिर इसमें डालती हूँ जो आलू सोयाबीन मसाला मिला कर रखी थी, इसको इसमें डाल दी। इसमें दही भी डाली हूँ, सॉरी वो वाला मैं नहीं आप लोग को दिखा पाई। तो इसमें 2 चम्मच में दही भी डाली जब मसाला मिला रही थी तब, उसी टाइम। तो देखिए, मैं इसमें डाल दी, बस इसको भी मैं 2-3 मिनट तक इसको भून लेती हूँ, इसके बाद पानी डालूँगी इसमें। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैं पानी डाल देती हूँ इसमें। चावल के साथ खाना है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रखूँगी इसमें। देखिए, हो गया है, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है ये सब्ज़ी। तो और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी, छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला। और फिर देखिए, धनिया पत्ता, गरम मसाला डाली, उसके बाद थोड़ा खोल गया, उसके बाद धनिया पत्ता डाल देती हूँ। बस सब्ज़ी मेरा हो गया है। कैसा लगा ये रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।